बिहार सरकार में श्रम संसाधन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश मिश्रा आज बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने हर घर तिरंगा को लेकर अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। शहर के परिसदन में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जीवेश मिश्रा ने हर घर में तिरंगा लगाने की अपील लोगों से की है। इस अवसर पर पत्रकारों के द्वारा विपक्ष के द्वारा तिरंगा पर सवाल खड़ा करने के लिए सवाल पर जीवेश मिश्रा ने विपक्ष के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तिरंगा पर सवाल खड़ा करना विपक्ष अपनी नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। हम तो हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं। तिरंगा इस देश की आन पान और शान है। तिरंगा पर कितना गाना बना, तिरंगा पाने के लिए देश के कितने नौजवानों ने शहादत दी, तिरंगा उठाने के लिए देश के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, और आज तिरंगा पुनः घर पर लगाने का संकल्प देश की सरकार ने लिया, तो हम विपक्ष के साथियों को ये बता रहे हैं कि राष्ट्र के इस महापर्व में आप शामिल हो, नहीं तो देश की जनता आपको खलनायक के रूप में खड़ा कर देगी। वहीं कई जिलों में शुक्रवार की छुट्टी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि ये जांच का विषय है, जब तक इस पर जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। मीडिया के माध्यम से यह खबर सामने आई है कि सरकार इसकी जांच कर रही है। मंत्री ने कहा कि शुक्रवार को तो हम बड़ी छुट्टी देते हैं और स्कूल और अन्य संस्थानों में नमाज पढ़ने के लिए अगर शुक्रवार को छुट्टी देकर रविवार को पढ़ाई होती है तो ये शिक्षा विभाग का मामला है। शिक्षा विभाग इसको देखेगी, इस पर जो नियमानुसार कार्रवाई होगी करेगी। जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक इस पर मेरी कोई नजर नहीं है। मेरी नजर सिर्फ देश के अंदर राष्ट्रवाद खड़ा हो। राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत है जो विविधता वाले इस देश को समेटे रखे हुए है। देश को उन्नत बना सकती है, देश को चोटी पर पहुंचा सकती है, देश को विश्व गुरु बना सकती है। पत्रकार भी इसका हिस्सा बने। पत्रकारों के द्वारा ये पूछने पर कि 6-7 तारीख को विपक्ष आंदोलन करने वाली है, तो इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं। महागठबंधन अब लघु गठबंधन हो गया। महागठबंधन के पास अब लोग नहीं रह गए, अब वो लघु हो गया, अब उनके पास कोई काम भी नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल के शहीदों को नमन कर रहा था, कारगिल विजय पर तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, कारगिल में अपने आप को समाहित करने वाले नौजवानों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था और तिरंगा लहरा रहा था। कारगिल विजय को याद करके वही कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस माता को बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। ये फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा कांग्रेस माता की जय करते हैं। हम लोग भारत माता की जय के लिए जीते हैं। महागठबंधन क्या करता है, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है। लोकतंत्र में विरोध मार्च शायद विपक्ष के स्वभाव में शामिल हो गया। राष्ट्रहित और राज्यहित में वो साथ मिलकर चलेंगे तो राज्य और राष्ट्र का बड़ा विकास होगा। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। का विरोध नहीं करते हैं, इस्लाम के लिए प्रतिपक्ष के साथी हैं, लेकिन ये एनडीए की सरकार है। हम अपनी सरकार में अपनी जगह पर बैठकर अपनी बातें करते हैं। इसको लेकर के कहीं कोई बात बयानबाजी करने का कोई औचित्य नहीं। 7 तारीख को महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन है। महागठबंधन के पास कोई काम नहीं है। आप जिसको महागठबंधन कहते हैं, पहले तो लघु गठबंधन हो गया है, उनके पास लोग नहीं है, अब वो महा नहीं रहे, वो लघु हो गए हैं, उनके पास लोग नहीं है, और आप बता दें उनके पास काम भी नहीं है। अब जरा आप कल्पना करिए, जरा सोचिए, और इस विषय को आपको मजबूती के साथ रखना चाहिए कि 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल शहीदों को नमन कर रहा था, कारगिल विजय पर तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, पूरा देश कारगिल में अपने को समाहित करने वाले नौजवानों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था और तिरंगा लहरा रहा था कारगिल विजय को याद करके, और कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस माता को बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। तो ये फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा कांग्रेस माता की जय करते हैं। हम लोग भारत माता की जय के लिए जीते हैं, इसी संकल्प के साथ हम लोग काम करते हैं, तो इसलिए उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विरोध मार्च लोकतंत्र में करना शायद हम समझते हैं कि विरोधी दल के लोगों के स्वभाव में आ गया है। राज्य हित में, राष्ट्र हित में वो सरकार के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो राज्य का बड़ा विकास होगा, देश का बड़ा विकास होगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।